नमस्कार साथियों, वेलकम इन टैलेंट स्काउट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, कुछ साथियों के कमेंट मिले कि यूट्यूब वीडियो पर किस तरह से हम थंबनेल लगाते हैं उसके बारे में बताया जाए। तो साथियों, आज का ये वीडियो आज के उन साथियों के लिए है जो थंबनेल लगाकर अपने वीडियो को डेकोरेट करना चाहते हैं। साथियों, ये बात सही है, थंबनेल लगाने से हमारे जो वीडियो होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है, जिससे क्या है कि हमारा जो वीडियो है काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है और जो यूट्यूबर्स होता है उसको अट्रैक्टिव करता है देखने के लिए, जिससे हमारी व्यूज बढ़ने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह का थंबनेल लगाने से काफ़ी अट्रैक्टिव ये वीडियो का व्यूज हो जाता है, जिससे हर कोई देखने का पसंद करता है और उससे वो डेकोरेट हो जाता है। तो साथियों, हम इसी बारे में अध्ययन करेंगे आज किस तरह थंबनेल लगाया जाता है। तो थंबनेल लगाने पर हम आगे देखते हैं किस तरह है। तो इसलिए हमें एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर या यूसी ब्राउजर। तो चलो साथियों, हम चलते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने स्क्रीन आइकन पर आ जाना है। यहाँ पर देखो, मैंने क्रोम और यूसी ब्राउज़र अपडेट कर रखा है, आप चाहो तो आप भी अपडेट कर सकते हो कोई सभी। तो मैं यहाँ पर यूसी ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। यूसी ब्राउज़र को ओपन करने पर एक साइट खुलाई जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूट्यूब का आइकन आपको दिख रहा है, तो यूट्यूब के आइकन पर आप क्लिक कर लीजिए। किस पर क्लिक करोगे, यूट्यूब के आइकन पर आप क्लिक करोगे। तो देखिए, मैंने यूट्यूब के आइकन पर क्लिक कर लिया है। यहाँ पर एक साइट खुलेगी, जिस तरह लैपटॉप और पीसी पर एक साइट खुलती है, उस तरह की एक साइट आपके यहाँ पर खुलेगी। उस साइट को आप अपडेट हो जाने दीजिए। उसके बाद में आप जूम करके यहाँ पर आप यूट्यूब आइकन पर जा सकते हैं। तो यूट्यूब आइकन पर आप जाओगे तो यहाँ पर थ्री लाइन्स से आपको मिलेगी, थ्री लाइन्स पर आप क्लिक कर दो। और जैसे ही आप थ्री लाइन्स पर क्लिक कर देते हो, होम साइट की लिस्ट खुलती है, उसमें सबसे पहले माय चैनल होता है, उस माय चैनल को आप अपडेट कर दीजिए। माय चैनल को अपडेट करने पर आपको आपके वीडियो की साइट खुल जाएगी। और जब आपके वीडियो की साइट खुल जाए तो आप इस पर, ये जो वीडियो मैनेजर है यहाँ पर, तो वीडियो मैनेजर पर क्लिक कर दीजिए। और जब आप वीडियो मैनेजर पर क्लिक कर दोगे तो आपके जो वीडियो आपने अपलोड कर रखे हैं उसकी साइट खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, मेरे जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं वो यहाँ पर खुल जाएंगे। तो देखते हैं, लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है ये। लोडिंग में थोड़ा टाइम ले लिया इसने। तो यहाँ पर ये लोडिंग हो गया। अब आप लोडिंग होने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आप ये देखिएगा, यहाँ पर देखने पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर थंबनेल लगा हुआ है, यहाँ पर भी थंबनेल लगा हुआ है, और इसमें इसमें और इसमें थंबनेल नहीं लगा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर थंबनेल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडिट वाला बिंदु है, यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ को ओपन कर दीजिए। और जब आप इसको ओपन कर दोगे तो यहाँ पर आपको एक साइट खुलेगी देगी, इस तरह का ये साइट है आपको खुल जाएगी। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने ये ओपन किया, तो यहाँ पर ये साइट यहाँ पर खुल गई, इन्फो सेटिंग आ गया। यहाँ पर इन्फो सेटिंग पर आप क्लिक कर दीजिए। जब इन्फो सेटिंग पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो, जिस पर आपने क्लिक किया था वो ओपन हो जाएगा। अगर आप से अब इसमें से कोई सा वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर तीन थंबनेल दे रखे हैं, आप चाहो तो उसमें से अपना थंबनेल ऐड कर सकते हैं या फिर नया थंबनेल बना सकते हैं। नया थंबनेल बनाकर उसमें यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कस्टम थंबनेल पर अप्लाई करना होगा। और ये इसकी साइज मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कस्टम थंबनेल पर आप क्लिक कर दो। कहाँ से लेना चाहते हो आप, गैलरी से लेना चाहते हो,
तो गैलरी में चले जाइए। अब गैलरी में चले जाने के बाद में आप अपने कहाँ से लेना है वो ले लीजिए। जैसे पिक्सेल ऐप से हमने थंबनेल बना रखे हैं यहाँ पर, तो कौन सा थंबनेल हमें लेना है इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं थंबनेल ले लिया मैंने यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने ये थंबनेल ले लिया है यहाँ पर और ये थंबनेल अपलोड कर दिया, अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। और अपलोड हो जाने के बाद में जैसे ही ये यहाँ पर अपलोड हो जाता है, आप इसको ये अपलोड हो गया है आपके, आपका अंग्रेजी बोलना बहुत आसान सीखिए टैलेंट स्काउट यूट्यूब चैनल पर, सिंपल ट्रिक। ओके, तो ये अपलोड हो गया यहाँ पर। और इसके बाद में आप यहाँ पर सेव पर चेंजेज कर सकते हैं। तो सेव पर जैसे ही चेंजेज कर दोगे आप, तो यहाँ पर आपको अपलोड हो जाएगा। ये सेव पर मैंने सेव कर दिया है यहाँ पर, तो ये सेव हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप क्लिक देखिए, ये आपका इस पर दिखाई देगा। इस तरह से गाइज हम अपना थंबनेल लगा सकते हैं और फिर हमारा थंबनेल इस तरह से तैयार हो जाता है। और जब हम साइट खोलेंगे तो इस तरह से हमारा थंबनेल इसमें दिखाई देगा। तो ये हमारी साइट है, यहाँ पर देखो ये थंबनेल जो हमने लगाया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये थंबनेल आपका अपडेट हो गया। तो इस तरह से हम थंबनेल लगाकर हमारे वीडियो को बहुत ही आकर्षित